40 मिनट में 9 किलोमीटर का सफर करने वाली ये ट्रेन आने वाले दिनों में इस पटरी पर नहीं दिखाई देगी। महज एक हफ्ते पहले ही कोचिन हार्बर टर्मिनस और एर्नाकुलम जंक्शन के बीच भारत की सबसे छोटी दूरी की यात्री ट्रेन शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे बंद करने का फैसला किया गया है। इसके पीछे बड़ा कारण तुलनात्मक रूप से इस रूट पर कम कमाई और कम यात्रियों की संख्या होना बताया जा रहा है। रेलवे ने इस रूट पर डीजल इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीपल यूनिट यानी डेमू चलाने का फैसला किया था, लेकिन यात्रियों की सीमित संख्या और रुचि नहीं लेने के कारण इसे बंद करने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में यात्रियों की संख्या बहुत कम थी, जबकि ट्रेन में कुल 300 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। इस ट्रेन की दिन में 15 से भी कम टिकटें बिक रही हैं। डेमो ट्रेन को अगस्त के पहले हफ्ते में कोचीन लाया गया था और इसे CST से एर्नाकुलम के बीच 9 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाया जा रहा था। 3 कोच वाली ये ट्रेन 9 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 40 मिनट का वक्त ले रही थी। इस ट्रेन को भविष्य में पेरुमनूर और मट्टनचेरी में भी हॉल्ट देने की योजना थी। इस ट्रेन का संचालन 3 दिन के अंतराल में किया जाता था, जबकि रेलवे के अधिकारी इस ट्रेन को बंद करने की योजना बना रहे हैं। ऐसी मांग भी उठने लगी है कि इस ट्रेन की दूरी बढ़ाकर त्रिशूर और शोरनूर तक की ही की जाए, जहाँ इस ट्रेन की कहीं ज्यादा मांग है। बहुत से लोगों का यकीन है कि जरूरत के मुताबिक हॉल्ट ना होने के कारण ही यात्रियों ने ट्रायल रन के दौरान ही इस ट्रेन में रुचि नहीं ली। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।